ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नेल पेनिट्रेशन टेस्ट में पास हुई है। ओके बाकी जितनी भी बैटरी है, चाहे वो टाटा की ले लो, EV6, आयोनिक 5, वो सारी ब्लास्ट हो गई थी। बट BYD में जो ब्लेड बैटरी है वो ब्लास्ट नहीं हुई। इसकी टॉप स्पीड क्या है? टॉप स्पीड कंपनी ने जो डिसाइड कर रखी है 180 to 200 के बीच में, इससे ऊपर गाड़ी नहीं जा नहीं सकती। जाती, और सेफ्टी के नाम से भी उतनी गाड़ी चलाना समझदारी भी नहीं है। नहीं है इंडियन रोड्स की कंडीशन को देखते हुए। अभी टेस्ला को बीट किया है इन्होंने वर्ल्ड वाइड में सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे। जैसे टेस्ला है ना, टेस्ला की भी यू वाली गाड़ी में, उसमें भी मून रूफ दे रखा है, बट उससे अच्छा है, उससे 15% कम हीट अंदर जाने के चांसेस है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास है BYD की सील, और इस गाड़ी के बारे में जानते हैं कि ये गाड़ी आपको क्यों खरीदनी चाहिए और इस गाड़ी को कैसे यूज करते हैं। सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। पहले आपको बोल देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अगर आपको BYD सील के बारे में डिटेल में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में आपके लिए कवर करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं कार के फ्रंट से, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है और क्या यूनिक है। और इस सेगमेंट में और कोई भी गाड़ी नहीं आती BYD सील के अलावा। एक आती है Hyundai की Ioniq 5, लेकिन ये गाड़ी उससे क्यों अलग है इसी वीडियो में बताने। तो गाड़ी की जो कीमत है वो है 45,55,000 रुपये एक्स शोरूम। ये प्रीमियम वाला वेरियंट है और इसमें मिल जाती है आपको 650 किलोमीटर की रेंज। अब फ्रंट से शुरू करते हैं कि फ्रंट में आपको इसमें क्या क्या मिल जाता है। फ्रंट में यहाँ पे मिल जाते हैं आपको डुअल LED हेडलाइट, जो कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प, साथ में फॉलो मी होम हेडलैम्प का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मिलता है आपको DRL, ये आप देख सकते हैं जो इंडिकेटर वही इसका DRL है। नीचे आपको मिलता है यहाँ पे वाइट लाइनिंग, जो कि एक तरीके से DRL है, काफ़ी शानदार लगता है नाइट में। टो करने के लिए हुक मिलता है, दो पार्किंग सेंसर, और ये मिलता है यहाँ पे कैमरा। और साथ ही इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है ADAS Level 2, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। नीचे ये जो फिनिश दी गई है, ये ब्लैक पियानो है स्पोर्टी लुक देने के लिए। BYD का लोगो, बिल्ड योर ड्रीम्स। और इस गाड़ी की जो क्रेचिस आप देख सकते हो, गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो लुक लाइक पोर्शे। ऐसी कुछ आपको चाबी मिलती है, यहाँ से लॉक अनलॉक, दो बार इस बटन को दबाएंगे तो इसका बूट खुल जाएगा, और इसे दबा के रखेंगे तो इसमें मिलता है ऑटो होल्ड का बटन, ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस वीडियो में इस गाड़ी को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या फीचर मिलते हैं, क्या इसका प्राइस है। और टायर साइज़ की अगर मैं बात करूं तो इसमें मिल जाता है आपको डायमंड कट एलॉय व्हील, साथ ही थोड़ा सा प्लास्टिक का पार्ट दिया गया है। जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है यहाँ पर मिलते हैं वेंटिलेटेड। और रियर की अगर मैं बात करूँ तो रियर में आपको मिलते हैं नॉर्मल वाले डिस्क ब्रेक, लेकिन ऑल फोर डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ 235/45R19 19 इंच का टायर साइज़ दिया गया है। BYD का यहाँ पे डिज़ाइन के साथ में ये एक यहाँ पे दिया गया है जो काफ़ी शानदार लगता है। रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं, और ये देख रहे हो ना आप, ये है इसका हेडसअप डिस्प्ले, और इसमें मिलता है ADAS Level 2। तो यहाँ पे सब देख सकते हो सेटअप लगा हुआ है ADAS का। और ये जो मिरर है ORVM, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिलता है, ये आप देख रहे हो NFC कार्ड मिलता है। इस कार्ड के बारे में आपको बताऊँगा, इसे आप चाबी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ ही आप इसको NFC कार्ड भी से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन NFC कार्ड थोड़ा डिफरेंट वे में इस गाड़ी में यूज होता है, वो कैसे होगा वो भी बताऊंगा। नीचे आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाता है 360 कैमरा के लिए। और साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी जो साइड से है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। नीचे पूरा ब्लैक पियानो फिनिश दिया गया है, ऐसा नहीं कि रैगेट प्लास्टिक दे दी जिससे कि थोड़ा चीप लगे, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं किया गया। अब एक चीज़ दिखाता हूँ, जो रेंज रोवर में आती थी, XUV700 में आती थी, वो इस गाड़ी के अंदर भी मिलती है। ये देखिए, जैसे ही मैं इस गाड़ी को अनलॉक करूँगा तो इसमें आपको फ्लश टाइप डोर हैंडल मिलते हैं। लॉक करूँगा तो ये अंदर चले जाएंगे, अनलॉक करूँगा तो फिर से बाहर आ जाएंगे। अब ये रेंज रोवर के अलावा BYD में मिल जाएगी, और XUV700 में तो आता ही है, लेकिन उसमें थोड़ा अलग टाइप का आता है, ये काफ़ी प्रीमियम और शानदार लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो टिंटेड आपको इसमें मिलते हैं ग्लास, एंड इस गाड़ी में सनरूफ नहीं आता। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सनरूफ की जगह पूरी जो छत है वो उसकी ग्लास की आपको मिलने वाली है, मून रूफ आपको इसमें मिलता है, जिससे गाड़ी हो जाती है काफ़ी प्रीमियम। इसका फील आप तब ले पाएंगे जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे। तो अब चलते हैं रियर में, और रियर में एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक रियल टाइम सांप दिखाता हूँ मैं। तो बात आती है अब रियर की। रियर में मिलता है कनेक्टेड टेल लाइट, लेकिन टेल लाइट जो है वो थोड़ा यूनिक है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो क्वालिटी है, वो लुक लाइक स्नेक, कुछ ऐसा ही डिज़ाइन मिलता है, और ये काफ़ी शानदार लगता है जब आप इसको नाइट में देखते हो।
BYD सील की बैजिंग मिल जाएगी, BYD बिल्ड योर ड्रीम। एंड बूट खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो बताता हूँ। चाबी से भी आप इसका बूट खोल सकते हो, जैसे मैं अभी यहाँ से ये बूट खोल के दिखाता हूँ। इसको मैं बटन को दो बार दबाऊंगा और इसका जो बूट है वो मिलता है आपको इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट। बूट इसका खुल चुका है। कैपेसिटी की बात करूँ तो 400 लीटर का आपको बूट मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें दो आपके अच्छे बड़े बैग आ जाएंगे और कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह भी आप इसमें आसानी से रख सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि गाड़ी में क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, ये देख सकते हो। इसकी जो एल्बोज आती हैं बूट की, उसको भी कवर किया है काफ़ी अच्छे तरीके से। यहाँ पे भी कवर किया हुआ है काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो जब आप बूट खोलोगे तो आपको काफ़ी प्रीमियम फील होगा, आपको काफ़ी लग्जरी फील होगा। अब चाबी से मैंने बूट तो खोल दिया, बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बटन दबाना है जस्ट, और इसका जो बूट है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ पे बंद। तो ये देख के जान के कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड फ्रंट में आपको मिलते हैं 2 पार्किंग सेंसर, रियर में आपको मिलते हैं 4 पार्किंग सेंसर, साथ ही आपको कैमरा दिया गया है यहाँ पे। गाड़ी तो ये इलेक्ट्रिक है, लेकिन जो इसका रियर लुक है वो लगता है कि शायद स्पोर्ट कार है, क्योंकि इसका जो नीचे वाला पार्ट है ब्लैक पियानो में, वो काफ़ी स्पोर्टी फील देता है। रिफ्लेक्टर टाइप इसमें नहीं आता, रियर वाइपर किसी सेडान में नहीं आता, तो डिफोगर यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए। अब ये बूट मैंने आपको दिखा दिया 400 लीटर का, अब इसमें एक और एक अच्छी चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गाड़ी के फ्रंट में। तो भाई गाड़ी के हम फ्रंट में आ चुके हैं। अब मैं इसका एक ये इसका बोनट जो है हुड इसका खोल के दिखाता हूँ। यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, इसको ऐसे कर देना, ये खुद से ऊपर चला जाता है। और ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, जो लोग परेशान होते हैं कि बोनट काफ़ी भारी है। BYD का फिर से लोगो देखने को मिलता है और ये देख सकते हैं आप, 400 लीटर का बूट आपको मिलता है रियर में। और फ्रंट में मिल जाता है आपको 50 लीटर का स्पेस, जो कि फ्रंट ट्रंक है और काफ़ी बढ़िया, इसमें आप सॉफ्ट बैग वगैरह जिम बैग वगैरह भी रख सकते हैं। एंड इसको बंद करने के बाद कुछ ऐसा फील आता है, जो एकदम बढ़िया काफ़ी तरीके से कवरिंग की हुई है और वो एकदम भारी भरकम लगता है देखने में। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इंसुलेशन वगैरह। और इसका बोनट ये हाइड्रोलिक उठ तो गया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये काफ़ी ज़्यादा भारी है। अब इसको करते हैं बंद। इसको बंद कैसे किया जाए, अब इसको बंद तो हमने कर दिया, ये शायद अच्छे से बंद नहीं हुआ दोस्तों। इसको बंद करने के लिए फिर से एक बार प्रेस करना पड़ता है, तभी जाके बंद होता है। अब गाड़ी के रियर में चलते हैं और वहाँ पे स्पेस देखते हैं। ये गाड़ी काफ़ी शानदार है। अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार लेने का प्लान कर रहे हो और अगर आपको चाहिए सेडान, पहली बात तो इस सेगमेंट में कोई गाड़ी नहीं आती, एक BMW की आती है, लेकिन इसका प्राइस उसके प्राइस में लगभग 20 से 30 लाख रुपए का अंतर है। ये गाड़ी की कीमत शुरू होती है 41 लाख एक्स शोरूम से लेके, और टॉप एंड वेरिएंट का जो प्राइस जाता है वो जाता है लगभग 53 या 54 के आसपास। अगर आपको BYD की किसी भी गाड़ी को लेके कोई भी क्वेरी है, तो डिस्प्ले पे आप नंबर देख रहे हो मिस्टर अभिषेक का, आप इनको कॉल करके BYD सील या फिर Atto 3 के बारे में भी जान सकते हो। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और अंदर जाके ये बहुत धमाकेदार चीज़ होने वाली है। गाड़ी को मैं कर लेता हूँ अनलॉक। ये आ गए हैं फ्लश टाइप डोर हैंडल बाहर, ये देखो ये है कमाल। यहाँ पे मिलता है सॉफ्ट टच, ये हाई क्वालिटी मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे सॉफ्ट टच मिलेगा। पावर विंडो के कंट्रोल्स इसमें मिल जाते हैं आपको, डायना ऑडियो के 12 स्पीकर। अब बात आती है सीट की, तो सीट की क्वालिटी आप देखो, हाई क्वालिटी मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है। 3 हेड रेस्ट मिलते हैं, 60-40 स्प्लिट सीट, और यहाँ पे मिल जाते हैं आपको 2 कप होल्डर विद हैंड रेस्ट, जो कि काफ़ी शानदार है। एंड फ्रंट सीट आप देख सकते हो यहाँ पे दी गई है स्पोर्टी, जैसे कि एक स्पोर्ट कार में आती है वैसी इसमें सीट मिल गई है। रियर एसी वेंट मिल जाते हैं, एंड रियर एसी वेंट के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिलता है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। नीचे आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें आपको टाइप ए और टाइप सी चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। मैगजीन होल्डर मिलता है, मोबाइल होल्डर भी यहाँ पे दो दिए गए हैं। नीचे मिल जाता है मैगजीन होल्डर, सेम आपको एज इट इज मिल जाता है यहाँ पे ड्राइवर साइड। और मेरी जो हाइट है वो है 5.8 इंच, उसके हिसाब से मैंने फ्रंट सीट को एडजस्ट किया ड्राइविंग पोजीशन में, और उसके हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लेग रूम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अंडर थाई सपोर्ट नो डाउट काफ़ी शानदार है। जब आप लॉन्ग जर्नी करोगे तो उस टाइम पे इसमें कंफर्ट आपको फील होने वाला है, क्योंकि जो सीटिंग है, सीटिंग की जो पोजीशन है वो मैं आपको बताता हूँ कैसी है। एक्चुअली सीटिंग पोजीशन इस तरीके से है कि जो हमारा अंडर थाई सपोर्ट है वो यहाँ से उठा हुआ है। ये जो सीटिंग एरिया है ये थोड़ा इंक्लाइन एंगल दिया गया है, जिससे हमें कंफर्ट मिलता है, हमारे जो पैर हैं वो पूरे एकदम खुल जाते हैं,
तो जब आप गाड़ी में लॉन्ग ट्रैवल करोगे, ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाएगा, तो उस टाइम पे आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलने वाला है। तीन हेडरेस्ट मैंने आपको बता दिए हैं, मिल जाते हैं। और ये ऊपर थोड़ा झलक मैं दिखा देता हूँ, ये इस गाड़ी का है मूनरूफ। पूरी जो छत है इस कार की वो यहाँ से ग्लास से भरी हुई है। सनरूफ तो इसमें नहीं आता, मूनरूफ मिलता है। और इस मूनरूफ की भी कुछ खास बात है, ये जो मूनरूफ इसमें दिया गया है ना, ये पूरा टिंटेड या ब्लैक आप इसको बोल सकते हो। जब आप इसको बिल्कुल घनी धूप में खड़ा करोगे ना, तो गाड़ी के अंदर धूप नहीं आएगी। ये इसकी एक USP है। ऑल ब्लैक इंटीरियर है, उसके बाद मैं अभी धूप में लेके गाड़ी को खड़ा हूँ, खुला आसमान ऊपर है, उसके बाद इस गाड़ी में अंदर धूप के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम। और हीटिंग प्रॉब्लम बिल्कुल भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, ये इसकी एक USP है। दो आपको यहाँ पे LED ये मिलते हैं रीडिंग लैंप देखने के लिए, क्योंकि छत में तो यहाँ पे कांच दिया हुआ है, तो इन्होंने रीडिंग लैंप यहाँ पे दे दिया है। डोर हैंडल मिल जाएंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, और जो इसका मटेरियल है ना गाड़ी के इंटीरियर का, वो भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे हैंग करने के लिए हुक दिया है, आप यहाँ पे कुछ अपना सामान वगैरह भी टांग सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। सेम आपको एक उधर मिल जाता है। और इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं आपको 9 एयरबैग। तो दोस्तों ये तो था इसका रियर स्पेस, अब चलते हैं कार के डैशबोर्ड की तरफ, और वहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं इंटरेस्टिंग। जैसा कि मैंने दिखाया, इसका जो क्वालिटी का जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है। डबल आपको स्टिचिंग मिल जाती है ब्लैक एंड ये ओशन ब्लू कलर में। और ये डोर हैंडल मिलते हैं जो कि काफ़ी शानदार, यहाँ पे डाइना ऑडियो के इसमें मिल जाते हैं। 12 स्पीकर जैसे कि मैंने आपको बताया था, 4 पावर विंडो, कांच को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड एंड एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बूट खोलने के लिए आपको एक मिल जाता है बटन, पावर विंडो की तरह काफ़ी शानदार लगता है। और ये मिलता है यहाँ पे बोतल होल्डर। डोर जो है इसका काफ़ी हैवी है, ये आप तब तक फील नहीं कर पाओगे जब तक आप शोरूम पे नहीं मिल जाती है आपको। 8-way इलेक्ट्रिकली सीट, 4-way मिल जाती है आपको लंबर सपोर्ट। को ड्राइवर साइड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मिल जाती है 6-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट। ऐसी सीट आपने अभी तक 40 से 45 लाख की गाड़ी में सिर्फ स्कोडा कोडियाक में देखी होगी, बाकी किसी और कार में ऐसी सीट नहीं मिलती आपको देखने के लिए। एंड ये जो सीट है वो काफ़ी अच्छी है, परफोरेटेड सीट टाइप इनकी क्वालिटी है। जब आप इनमें बैठते हो तो आपको काफ़ी अच्छा कम्फर्ट मिल जाता है। ऐसा कार का कुछ इंटीरियर है, तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं NFC कार्ड, यहाँ पे रखोगे तो ही ये गाड़ी चालू हो पाएगी, स्टार्ट हो पाएगी। गाड़ी अगर आपको अनलॉक करनी है तो ORVM पे आपको जस्ट टच करना है अपना वो कार्ड, और फिर यहाँ पे रखने के बाद ही आपकी गाड़ी का इग्निशन या आपकी गाड़ी चालू होगी। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे काफ़ी गहरा और डीप आपको मिल जाता है यहाँ पे ग्लव बॉक्स, और काफ़ी बड़े साइज़ का भी है। और ये थोड़ा इधर ज़्यादा इधर नहीं है, आप इसमें बोतलें फिट बैठ जाएंगी, समझने वाले समझ जाओ। और यहाँ पे सबसे यूनिक चीज़ देखने को मिलती है, अगर आपकी बोतल की लेंथ ज़्यादा है या ग्लास की, तो इसे आप ऐसे प्रेस करके ये गहरा हो जाता है, जिससे आपकी जो बोतल है काफ़ी एकदम फिट बैठ जाएगी। लेकिन अगर आपका कोई दूसरा सिस्टम है तो आपके बराबर में कोई ऊंची नीच नहीं होगी, आपके दोनों ग्लास बराबर रहने वाले हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इसकी क्रिस्टल डायमंड टाइप गियर नॉब, जो काफ़ी शानदार लगती है। इधर मिल जाते हैं आपको AC के कंट्रोल, ये वाला जो पार्ट है ये AC के कंट्रोल्स का है। यहाँ से ऑटोमेटिक आप दबा सकते हैं, AC चल जाएगी आपकी फुल स्पीड पे। फ़ैन ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये है वॉल्यूम का बटन और ये है पार्किंग का बटन। एंड यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता या उन्हें फिर मौका मिले BYD सेल चलाने का, तो वो इस बटन से गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट और ऑफ कर सकते हैं। हज़ार्ड लाइट का बटन मिल जाएगा। और ये मिलता है आपको यहाँ पे मोड, इससे आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो गाड़ी का, स्पोर्ट, नॉर्मल, इको। इधर मिल जाता है आइडल स्टार्ट स्टॉप, और साथ ही मिल जाता है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। एंड ये मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल, जो काफ़ी शानदार है। और ये थोड़ा यूनिक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, दो दो वायरलेस चार्जिंग बहुत देखने को कम मिलती है, लेकिन यहाँ पे मिल जाएगी। अब आप लोगों का झगड़ा नहीं होगा जब आप ट्रैवल करोगे गाड़ी में कि मेरा फ़ोन डाउन है पहले मैं चार्ज करूँगा, नहीं नहीं नहीं, दोनों साथ चार्ज कर सकते हैं। एंड ये दिया गया है भाई साहब इसमें TV, इसकी जो साइज़ है वो है 15.6 इंच का आपको TV दिया गया है, और इसे आप अपने हिसाब से डांस भी करा के सेट कर सकते हैं। ये बटन जस्ट आपको दबाना है और ये हो जाएगा रोटेट। और इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं, इस गाड़ी पे आपने जगह जगह देखा होगा BYD टैग, टैग मतलब इसमें बहुत फीचर आपको मिलने वाले हैं। तो इसको कर देते हैं फिर से वैसे ही, और मैं इसको इसमें एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ मैं, वो है इसका ग्लव बॉक्स। ये देखिए इसकी जो फिट एंड फिनिश है, मतलब पूरी गाड़ी में जो मटेरियल यूज हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है, बढ़िया आपको एक दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि ज्वेलरी, काफ़ी बढ़िया। आप इस पेपर रखो या गाड़ी की चाबी या कुछ भी आप रख लो, वो बिल्कुल भी धूल मिट्टी जैसा या रगड़ नहीं होगा। ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एक
इसमें दिया गया है कवरिंग, जो कि जैसा कि ज्वेलरी बॉक्स में आता है वैसा ही यहाँ पे मिल जाता है। हाई क्वालिटी मटेरियल, यहाँ पे सिल्वर फिनिश, फिर ये सॉफ्ट टच है जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टच है, कैमरे में फील नहीं होगा, रियल में आकर टेस्ट करोगे तो आपको एक्चुअली लगेगा कि हाँ कुछ गाड़ी बनाई है BYD ने। और ये गाड़ी जो है ना, वैसे तो आप चाइना की गाड़ी इसको बोलते हो, लेकिन इंडिया में भले ही ये गाड़ी नया ब्रांड हो या फिर ये नई गाड़ी हो, लेकिन इंटरनेशनल ग्लोबली मार्केट में इसका काफ़ी तकड़ा दबदबा है। 15.6 इंच का आपको मिल जाता है ये इंफोटेनमेंट, 10.25 इंच का आपको मिलता है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड फ्रंट में आप देख सकते हो ये जीरो जो आपको दिख रहा है, ये जीरो, ये है इसकी हेडसअप डिस्प्ले, ये यहाँ पे आप देख सकते हो HUD आपको इसमें मिल जाता है। इधर आपको मिल जाते हैं मीडिया के कंट्रोल, लेदर रैप स्टेयरिंग, और इधर मिलते हैं ADAS लेवल 2 के सारे फंक्शंस। 360 कैमरा अगर आपको चेक करना है तो ये बटन आपको दबाना पड़ेगा, और आप इस गाड़ी के TV में देख सकते हो कि अपनी गाड़ी का एंगल सब तरीके से चेक कर सकते हो, लेफ्ट राइट। और जो फर्स्ट टाइम बायर हैं या जिनको गाड़ी थोड़ी कम चलानी आती है, तो भाई उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक एक चीज़ आपको बता देगी ये कि आपकी गाड़ी के आसपास क्या है या क्या नहीं है। तो गाइस ये हो गया, और अब इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं। BYD असिस्ट, फ़ोन, रेडियो, स्पॉटिफाई, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ, मीडिया, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जो थोड़ा सा निराश कर सकती है वो है इसकी ऑटोमेटिक, ये टच वाले जो बटन आते हैं ना, AC आपको टोटल टच से ही कंट्रोल करनी पड़ेगी या फिर वॉइस कमांड के थ्रू, हे BYD AC ऑफ। Got it. देखो जी ऐसे भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, हे BYD AC ऑन। Okay, I've turned on the AC. Driver's temperature is 18 degrees and co-pilot's temperature is 21 degrees. अरे बस भाई बस, तो ऐसे भी आप इससे अपना काम करवा सकते हैं। इंटीरियर आप देख लो, स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है, टेलीस्कोपिक भी दिया गया है। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको रेंज वगैरह दिखाता है, पावर वगैरह दिखाता है। और ये गाड़ी जो है रियर व्हील ड्राइव है। अब बात करते हैं हम इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की कि इसमें आपको क्या क्या सेफ्टी फीचर मिलते हैं। एंड इसमें ADAS का एक कुछ नया फीचर है, मैं बता देता हूँ वो क्या है, कि जब आप गाड़ी ट्रैफिक में चलाते हो और आपने इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट किया हुआ है, तो आपकी गाड़ी अगर जीरो पे भी रुक जाएगी ना, उसके बाद दूसरी गाड़ियों में क्या होता है कि आपको बटन दबाना पड़ता है, फिर से वो सेट होता है, लेकिन ये जीरो से स्टार्ट हो जाता है। तो ये पर्सनली बहुत अच्छा है, इसमें चांसेस बहुत कम है आपकी गाड़ी हिट होने के। तो जैसे आप वो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करके रखोगे तो उस टाइम पे वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ट्रैफिक में बिल्कुल गाड़ी जैसे अभी खड़ी है ऐसी खड़ी हो जाएगी, उसके बाद फिर से वो एक्टिवेट रहता तो फिर से वही स्पीड पकड़ लेगा जितना कि डिस्टेंस आगे वाली गाड़ी के बीच में आपकी गाड़ी से बन पाएगा। ऑटोमेटिक IRVM पूरा सिस्टम यहाँ पे दिया है ये ADAS का। और ये मिल जाते हैं आपको टच वाले रीडिंग लैंप, सनग्लास होल्डर इस गाड़ी में नहीं दिया गया। इधर मिल जाता है आपको सन वाइजर विद मिरर, इधर भी विद मिरर मिलता है, ये देख सकते हो लुकिंग लाइक ए वाओ। तो इसको बंद कर देते हैं। गाड़ी का जो इंटीरियर है वो ब्लैक है। अब इस गाड़ी की बात करते हैं हम सेफ्टी फीचर्स की। गाइस वीडियो अगर अभी तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी। एंड जैसा कि अभी तक आप इलेक्ट्रिक कार्स में देखते आए हो तो सेंटर कंसोल के नीचे आपको यहाँ जगह मिल जाती है जिसमें आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, टाइप सी चार्जिंग सॉकेट, और एक मिल जाता है टाइप ए चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पे नीचे मिलते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, आप यहाँ पे कुछ अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना ताकि ये सब आपसे मिस ना हो जाए। क्या हाल है अभिषेक भाई? बस बढ़िया। तो ये BYD की सील है, सबसे पहले तो वेरिएंट कौन सा है और प्राइस क्या है? प्रीमियम मॉडल है इसका सील का, जो टॉप एंड से नीचे वाला होता है और बेस से ऊपर वाला होता है। तो इसमें कितने मॉडल आते हैं टोटल? बेसिकली अगर मैं सील की बात करूं, हमारे सील में हमारे तीन मॉडल दिए हैं जिसमें डायनेमिक आता है, प्रीमियम एंड परफॉर्मेंस मॉडल आता है इसका। तो ये प्रीमियम है? ये प्रीमियम मॉडल है। प्राइस क्या है एक्स शोरूम? प्राइस की बात करूं तो एक्स शोरूम इसका 45,55,000 का है। ओके, और दोस्तों अगर आपको BYD की किसी गाड़ी के लेके कोई क्वेरी है ना, तो डिस्प्ले पे अभिषेक भाई का नंबर है, आप इनको फोन करके या कॉल या मैसेज व्हाट्सअप करके आप अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। ऑन रोड कितने की है, क्या स्कीम चल रही है, सब कुछ आपको बता देंगे। अब इसके सेफ्टी फीचर क्या क्या है अभिषेक भाई? अगर मैं सेफ्टी की बात करूं
तो सेफ्टी में ABS EBD जो बाकी छोटी गाड़ी या फिर किसी भी सेगमेंट में आप देखेंगे ABS EBD आपके हर गाड़ी में आता है, वो तो एक स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। उससे अगर मैं अलग की बात करूं तो जितने प्रीमियम सेगमेंट है, जितने प्रीमियम मॉडल्स हैं, उसमें आपकी जो जैसे एयरबैग्स हैं जो 6 से 9 का स्टार्ट होता है, इसमें क्या है आपके सेफ्टी में 9 एयरबैग्स दे रखे हैं। ओके, 5-star रेटिंग है इसकी यूरोप एनकैप एंड ऑस्ट्रेलियन एनकैप में। गुड, जहाँ बेसिकली छोटी गाड़ियाँ देखा जाएगा वहाँ टेस्टिंग करने के पहले वो 5-star नहीं मिल पाता, बट ये गाड़ी BYD सील है, जैसे कि स्कॉर्पियो इनको वहाँ पे जीरो मिल गया, जीरो मिला है, उसमें ये 5-star रेटिंग एनकैप ले चुकी है। और अगर इसमें एक चीज और देखी जाए जो चाइना में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, इसकी ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी। ओके, ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नेल पेनिट्रेशन टेस्ट में पास हुई है। Okay. बाकी जितनी भी बैटरी है, चाहे वो टाटा की दे लो, EV6, IONIQ 5, वो सारी ब्लास्ट हो गई थी, बट BYD में जो ब्लेड बैटरी है वो ब्लास्ट नहीं हुई। ओके, और जैसा कि आपने बताया कि ऑफ कैमरा हमारी बात हुई थी कि टेस्ला भी कुछ बैटरी वगैरह शेयर करता है। टेस्ला की एक इसमें एक मॉडल है वाई मॉडल है उसका, उसमें ब्लेड बैटरी यूज कर रही है। और अभी मैं इंडियन कार्स की बात करूं तो महिंद्रा गाड़ी है जो ब्लेड बैटरी के साथ अपनी गाड़ी लेकर आ रही है इलेक्ट्रिक में, और बैटरी BYD से लेंगे, राइट? BYD से ही लेंगे। ओके, अब इसमें जो बात आती है कुछ हमारे चार्जिंग की बैटरी को लेके, तो उसकी रेंज कितनी है, कितने समय में चार्ज होती है? देखो, अगर मैं रेंज की बात आपसे करूं तो अगर गाड़ी आपकी 100% चार्ज हो जाती है, वैसे तो कंपनी क्लेम 650 का कर रही है, बट फुल चार्ज में 700 आपको शो करती है डिस्प्ले में, बट 700 तो नहीं दे सकती, 650-600 के आसपास आपको आराम से इसकी रेंज मिल जाएगी। क्योंकि बैटरी अगर आप देखेंगे कि बैटरी किलोवाट बहुत ज्यादा हो जाता है इस सेगमेंट में, और इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी दे रहे हैं 83 किलोवाट की। इसमें जो आपके जो 3 मॉडल्स हैं, आपका डायनेमिक और आपका ये प्रीमियम और परफॉर्मेंस, तो इनमें बैटरी, इसमें कौन सा पैक मिलता है बैटरी पैक? इसमें 83 किलोवाट का पड़ता है। डायनेमिक हमारा जो बेस मॉडल है, जो नीचे वाला मॉडल है, उसमें 61 किलोवाट की बैटरी, जो कि आपकी BYD ATO 3 में आती है, जो ATO 3 में आती है, लेकिन इसमें हाई परफॉर्मेंस के लिए दी गई है। इसकी टॉप स्पीड क्या है? टॉप स्पीड कंपनी ने जो डिसाइड कर रखी है 180-200 के बीच में, इससे ऊपर गाड़ी नहीं जा सकती, नहीं जाती, और सेफ्टी के नॉर्म से भी उतनी गाड़ी चलाना समझदारी भी नहीं है इंडियन रोड्स की कंडीशन को देखते हुए। एंड जैसे आपका एक स्लोगन बना हुआ है कि 3.8 सेकंड में 0-100 चली जाती है। जी, हमारा क्या है, आपने देखा होगा ATO में भी, आपने देखा होगा वो 0-100 7.8 सेकंड में है, हमारा जो प्रीमियम मॉडल है वो 5.8 सेकंड में है, और जो हमारा परफॉर्मेंस जो टॉप एंड मॉडल है उसका 3.8 सेकंड में है। ओके, 3.8 सेकंड में ये जस्ट लाइक है स्पोर्ट्स कार जो आपकी आती है, उस टाइप की पावर। और इसमें देखिए, गाड़ी इलेक्ट्रिक है लेकिन इसका इंटीरियर, इसके डिजाइन, इसका परफॉर्मेंस सब एक स्पोर्ट कार की तरह ही दिया गया है। और अगर मैं BYD सील की बात करूँ तो ये वर्ल्ड की टॉप 3 इलेक्ट्रिक कार्स में आती है। वाओ दोस्तों, इसे भी आप ध्यान में रखना कि BYD का जो इंडिया में नया ब्रांड होना तय है, लेकिन ग्लोबली अगर देखा जाए तो काफी अच्छा दबदबा इनका है। अभी टेस्ला को बीट किया है इन्होंने वर्ल्ड वाइड में सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे। और इसमें जो चार्जिंग टाइमिंग है, जैसे कि 200 किलोमीटर की चार्ज हो जाती है 15 मिनट के अंदर, वो कौन से चार्जर से होती है? अगर आप DC चार्जर के थ्रू 150 किलोवाट से, अगर आप 150 से अगर ऊपर अगर आप लगाते हैं, 150 हो जाए, 160 हो जाए, 170, 180 के आसपास, तो उसमें क्या है 15 मिनट में आपकी 200 किलोमीटर की रेंज गाड़ी में तैयार हो जाती है। अगर नॉर्मल किसी 60 किलोवाट, 50 किलोवाट या 70 किलोवाट से लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वो आपका 1.5 से 2 घंटे के आसपास में गाड़ी 0-100 फुल हो जाएगी आपकी। और एक बात और मेरे को जाननी है कि इसकी गारंटी वारंटी गाड़ी की क्या है और बैटरी का क्या है? देखो, बैटरी की वारंटी तो जस्ट बाकी जैसे कंपनीज की आ रही है, 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की बैटरी वारंटी दे रखी है। मोटर की वारंटी बात करूँ तो मोटर की वारंटी 8 साल और 1.5 लाख किलोमीटर की है, और गाड़ी की वारंटी की बात करूँ तो गाड़ी की 3 साल या फिर 1,25,000 किलोमीटर की गाड़ी की वारंटी है आपकी। ओके, और इसकी कोई अलग USP? अलग तो इसकी USP इसका जो मुझे जो पर्सनली लगी, एक तो इसकी स्पीड जो 3.8 सेकंड में है, और आप देखेंगे जो इसका मून रूफ भी एक इसमें बहुत अच्छा, मैं आपको एक बताऊंगा, जैसे टेस्ला है ना, टेस्ला की भी यू वाली गाड़ी में उसमें भी मून रूफ दे रखा है, बट उससे अच्छा है, उससे 15% कम हीट अंदर जाने के चांसेस है। ओके, जिसमें सनलाइट भी या फिर सनलाइट की शाइन भी अंदर नहीं जाती है।
तो उसमें जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो आपका बढ़ जाता है। ओके, तो अभिषेक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो में आए, समय दिया। माय डियर फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। अभिषेक भाई ने आपको बताया, मैंने आपको एक डिटेल में रिव्यू दिया, तो यही था आज का वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं ऐसे ही नई कंटेंट के साथ आपसे नेक्स्ट टाइम जब हम दूसरी गाड़ी कवर करेंगे। हमारे चैनल को अभी के अभी फॉलो कर लें अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू दोस्तों।